अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, स्टडी विद यासिर के साथ मैं हूं आपका दोस्त यासिर। आज जो हम बनाना सीखेंगे, आज हम वाइन गिलास बनाना सीखेंगे। इस प्लाइन मेथड, इससे बॉटल्स, वॉस और गिलास वगैरह इस टाइप की चीज़ें बनती हैं। तो मैं आज आपको मेंटल रे के मोड में वाइन गिलास बनाना सिखाऊंगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखिए वाइन ग्लास किस तरीके से बनता है। तो अच्छा दोस्तों, मैं जो आपको जो चीज़ बनाना सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये बिगनर लेवल के है। मैं इसको ज़्यादा भी अच्छा खूबसूरत भी बना सकता हूँ, लेकिन उससे यह क्लास बहुत लॉन्ग हो जाती है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि एक ऑब्जेक्ट आपके सामने बन के आ जाए, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि 3D Max में हमें उस ऑब्जेक्ट की ना सेटिंग करनी पड़ती है, तो उसकी असल शेप सामने आती है। तो इसलिए एक हद तक आपको वो पूरा ऑब्जेक्ट, एक मॉडलिंग आपके सामने आ जाती है, तो उसको फिर ग्रूम आप खुद भी कर सकते हैं। और कोशिश होती है कि आपको पूरा ग्रूम करके दिखा दिया जाए, ताकि फाइनलाइज में चीज़ अच्छी लगे और एक रेंडर बन के आपके सामने आए। तो अब शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखें, हम शेप में आके लाइन ले लेते हैं। लाइन ली, हमारे पास व्यू पोर्ट सामने है की सेटिंग करें फ्रंट व्यू से। इसको ड्रॉ करें कि हाइट है, लेकिन सब अलग अलग मेथड से वाइन ग्लास बना रहे होते हैं, तो मैं भी उसी तरीके से बना रहा हूँ जो सबका तरीका है, ताकि कोई चीज़ डिफिकल्ट ना लगे आपको। जूम करेंगे, आई प्रेस करेंगे, जूम करने के लिए हमें आई प्रेस करेंगे, ताकि वो पॉइंट्स हमारे सामने आ जाए। देखिएगा, आई प्रेस किया हमने, मजीद आई प्रेस कर लें, यहाँ पे एक क्लिक करें और एक यहाँ पे करें, यहाँ से बैक पे जाएं वापस। आई प्रेस करते हुए अगेन हम नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे ये देखिए। ठीक है दोस्तों, यहां से आप इसको, अक्सर लोग इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, यहाँ पे छोड़ देते हैं, और मैं इसको फिलहाल यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर सही हो जाता है तो हम यहाँ से इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, नीचे तक मैं ले जाता हूँ। ये देखिए, यस किया हमने यहाँ पे। अब इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट है, वो करते हैं, वो किस तरीके से की जाएगी। एडजस्टमेंट करने के लिए हमें पिसले करेंगे लाइन पे, स्केप किया हमने और लाइन के मॉडिफाई में चले गए। देखिए, मॉडिफाई में हम लोग यहाँ से गए, मॉडिफाई में आपके सामने वर्टेक्स आ रहे हैं, वर्टेक्स की मदद से हमने ये पॉइंट शो हो गए। इसकी सेटिंग यहाँ से करेंगे, वर्टेक्स में हमें इसको सेलेक्ट करके मूव टूल की मदद थोड़ा सा इसको बड़ा किया, इसको सेंट्रलाइज करके ये देखें, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे। राइट क्लिक करने के बाद इसको राउंड करने के लिए हम स्मूथ कर देंगे, स्मूथ से देखेंगे राउंड आ जाएगा, लेकिन इसको मजीद इसकी शेप लाने के लिए आप मजीद राइट क्लिक करके आप इसको बेजियर कर दीजिए। बेजियर से पॉइंट शो हो गए, पॉइंट की मदद से आप इसकी जो राउंड शेप है वो बना लीजिए, ताकि एक राउंड शेप में आ जाए। ठीक है, कोशिश करें वर्टेक्स ज़्यादा ना भरे, जिस ऑब्जेक्ट में वर्टेक्स ज़्यादा आएंगे वो मुश्किल हो जाएगा उसको सेट करना, उसको एडजस्ट करना। तो थोड़ा सा इसको मजीद सेट कर लेते हैं, इसको यहाँ से बढ़ा लें, ये लीजिए, इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए मजीद, ये तो एक राउंड शेप में आ जाएगी। ये हमारे पास एक शेप आ गई है, और इसको दीजिएगा, इसको भी स्मूथ करते हैं हम लोग, आप इसको भी स्मूथ कर दीजिए और इस वर्टेक्स को भी सिलेक्ट करके स्मूथ कर दीजिए। ये देखिए हमारे पास एक लुक्स आ रही है, थोड़ा सा इसको ऊंचा कर लें और इसको बैक पे भी कर लीजिए, पीछे भी कर लीजिए, ताकि एक हमारे पास लुक बनी हुई आ जाए। ये स्टिक है हमारे पास, इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट करें,
इसको फिलेट कर देते हैं, सिलेक्ट करके यहाँ से पैनल की मदद से नीचे जाएं। इस ऑप्शन में आपको फिलेट का ऑप्शन आ रहा है नीचे, फिलेट फिलेट पे आपने क्लिक किया यहाँ पे, और इसको यहाँ से थोड़ा सा राउंड कर दीजिए ताकि ये फिलेट लुक पे आ जाए। इसको भी आप फिलेट कर दीजिए, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे और आप ये भी फिलेट कर दीजिए। यहाँ से इसकी एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग, ये देखिए ये एक हमारे पास एक लुक नजर आ रही है। अब हम इसके ऊपर मॉडिफाई में जाके लेथ की कमांड अप्लाई करेंगे। मॉडिफाई में मॉडिफाई लिस्ट लेथ एल प्रेस करें, आपके पास लेथ का ऑप्शन सामने आ जाएगा। आपने जैसे लेथ पे क्लिक किया, इसकी ऑब्जेक्ट की शक्ल चेंज हो गई थोड़ी। यहाँ पे आपने वाई एक्सिस, वाई आपके पास डायरेक्शन आ रही है, वाई एक्सिस पे आपने क्लिक करना है और एक मिनिमम पे क्लिक करना है। तो आप देखें इसकी एक शेप है नीले के नीचे से जो थिकनेस है ये बहुत बढ़ गई, इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। तो मैंने जैसे आपको पहले ही कहा था कि इसमें चीज़ एडजस्ट करनी पड़ती है, तो बास कभी तो बहुत सही तरीके से ही शेप आ जाती है और कभी प्रॉब्लम करती हैं, तो आप थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लें। वर्टेक्स में आए, अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें इसकी शेप को। यहाँ से आने के बाद ये देखिए ये शेप आ रही है, थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। बात साथ ही ऐसा होता है कि इसको यहीं पे स्टॉप कर दिया जाता है, लेकिन हमें कि थोड़ी सी इसको मज़ीद आप यहाँ पे लें और इसकी राउंडनेस बढ़ा दें, यहाँ से भी कम करें इसको। इसको फिलेट कर लेते नीचे वाले को हम लोग, यहाँ से फिलेट करेंगे, ये फिलेट हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा इसको पीछे कर दीजिए, सेगमेंट में देखते हैं अभी क्या लेट करते हैं इसको यहाँ पे आके। देखिए अब इसकी थोड़ी लुक चेंज हो गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा थिक हो गई है, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो वही ही जैसे मैंने आपको कहा था इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, आप इसको थोड़ा सा यहाँ से इसको बाहर निकाल लें ताकि ये थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए, ये हिस्सा बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, लैथ पे जाके देखते हैं क्या कहता है। तो आई थिंक किसी हद तक ये काफ़ी कंट्रोल हो गया, तो इसकी एक लुक निकल आई साथियों। तो आप इसमें सेगमेंट बढ़ाएं इसके, सेगमेंट बढ़ा के थोड़ी बहुत इसकी ऊपर से लुक डाउन और शेप अंदर से कर दीजिए। वर्टेक्स में आके थोड़ा सा अंदर तक एक, अब आप इसको लैथ में देखें तो आपके पास एक लुक नजर आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे पास सेगमेंट बढ़ गए और हम इसको इसको मज़ीद एडजस्ट करते हैं। आप देखें इसको मेंटल रे का प्रेस एम, मेंटल रे के मोड में आते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड में आए, आर्ट डिज़ाइन, और ये देखें। अच्छा मेंटल रे की सेटिंग में आपको पहले ही प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये मेंटल रे के मोड में आ चुके हैं, अब हमने इसकी एडजस्टमेंट क्या करनी है। आपको यहाँ पे मेंटल रे का ये टाइटल आपको नज़र आ रहा है, आप इसी के ऊपर देखें टेम्पलेट्स के ऊपर आप जाएंगे चूज आर टेम्पलेट्स में, यहाँ पे आपने आके ग्लास फिजिकल सिलेक्ट करना है, ग्लास फिजिकल उसको सिलेक्ट करेंगे और आई ओ आर को आपने 1.33 कर देना है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, और कलर आप इसको यहाँ पे
मिरर का कलर जो है ग्लास का, वो आप इस पे इफेक्ट अप्लाई करें थोड़ा सा इसको, ये देखिए एक ये कर दीजिए और इसको भी आप इस तरीके से कर दीजिए, यहाँ पे आके इसको गिलास का इफेक्ट दे दीजिए। ये देखिए, और मज़ीद नीचे आते हैं, हमारे पास आ रहा है एडवांस रेंडरिंग ऑप्शन, ठीक है। आप यहाँ से स्किप कर दीजिए इसके एक ऑप्शन को, ताकि वो हमारे पास, ये देखिए स्किप रिफ्लेक्शन और इनसाइड स्पेक्चर, मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट है ये उससे हटके आप इसको यहाँ से चेक रिमूव कर दीजिए, इस ऑप्शन को देख लीजिएगा। और मिरर आप अपना यहाँ से मे का मटेरियल आप असाइन मटेरियल करें, तो आपको देखें ये अप्लाई होगा, लेकिन ये ग्रीन हुआ ब्लू हुआ है, ये जो आपका ब्लू कलर है इसको भी यहाँ से कलर एट मैक्स डिस्टेंस, इसको भी आप यहाँ से इसका कलर मिरर वाला कर दीजिएगा, ताकि आपकी जो चीज़ है वो आपको एक्यूरेट नजर आ जाए। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास एक लुक आ रही है, इसका पैन बना के, इसके नीचे एक पैन बनाते हैं और इसका लुक देखते हैं कि ये क्या लुक दे रहा है हमें। हमारा गिलास, एक पैन बनाया हमने, इसको यहाँ से आप ड्रॉ कर लीजिए। आने के बाद आप इस पे फ्लिप, इसका एक मिरर देखिएगा, रेंडर देखिएगा, रेंडर क्या किस तरीके से आता है, रेंडर ऐसे आ रहा है, आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। ये ऑप्शन आ रहे हैं फ्लिप, फ्लिप के ऑप्शन पे आपने यहाँ पे फ्लिप नॉर्मल करें, के बाद आप इसकी एक कॉपी लें, एक रेंडर निकाल लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसकी मज़ीद एक और कॉपी ले लेते हैं, शिफ्ट प्रेस करके एक कॉपी ले लीजिए। ठीक है फ्रेंड, किसी हद तक हमारे जो वाइन गिलास हैं तैयार हो गए हैं, तो आप इसका आपको एक फाइनल रेंडर लेके देखता हूँ। जी दोस्तों, ये थे हमारे वाइन गिलास, हम इसका एक रेंडर फाइनल ले लेते हैं और इसको देखते हैं कि इसका रेंडर कैसे आता है। ये देखिए, ओके फ्रेंड, ये थे रेंडर। स्टडी विद यासिर के साथ, यासिर को दीजिए इजाजत, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।